मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर एसएसटी क्लास ऑनलाइन. डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास थर्ड टुडे इज आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 7. डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर नंबर 7 इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल रिवाइज दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज दिस चैप्टर एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. इन चैप्टर 7 आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. टिक द करेक्ट ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर टिक करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इनमें से क्या है जो इतिहास के स्रोत हैं. इतिहास के स्रोत हैं. नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मनुस्क्रिप्ट्स. सेकंड ओल्ड कॉइन्स. थर्ड ओल्ड पॉट्स. और डी हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज. तो बेटा मनुस्क्रिप्ट्स, ओल्ड कॉइन्स एंड ओल्ड पॉट्स जो पॉट्स हैं वो सारे ही क्या हैं, हिस्ट्री के सोर्सेज हैं. तो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हेन डिड द काउंटिंग ऑफ द ईयर बिगिन. जो ईयर की काउंटिंग है वो कब से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई. नाउ आवर आंसर इज ऑप्शन बी 1 CE. 1 CE से जो ईयर्स की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हुई. 1 CE से. 1 CE है. 1 CE जो होती है कॉमन ईरा. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सी स्टैंड फॉर डैश. सी जो है वो उसका जो स्टैंड है, मतलब जो सी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ईरा. सी की फुल फॉर्म क्या है, सी स्टैंड फॉर कॉमन ईरा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स. इन ब्लैंक्स को फिल करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए डैश कैन बी मेड फॉर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. क्या है जो वर्ल्ड के लिए हिस्ट्री बनाता है, क्या है, पास्ट, बीता हुआ जो कल है वो वर्ल्ड के लिए हिस्ट्री है. ए पास्ट कैन बी मेड फॉर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो पास्ट है वो वर्ल्ड के लिए इतिहास बनाता है, बीता हुआ कल क्या कहलाता है, पास्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए डैश यूज ए स्केल कॉल्ड टाइमलाइन. कौन है जो एक स्केल का यूज करते हैं जिसे हम टाइमलाइन कहते हैं. तो क्या आएगा, हिस्टोरियन. ए हिस्टोरियन यूज ए स्केल कॉल्ड टाइमलाइन. HISTORIAN हिस्टोरियन. ए हिस्टोरियन यूज ए स्केल कॉल्ड टाइमलाइन. हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार जो हैं, वो एक स्केल का यूज करते हैं जिसे हम समय रेखा कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट आर कॉल्ड द डैश ऑफ हिस्ट्री. जो पास्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, पास्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री के क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सोर्सेज, स्रोत कहलाते हैं. SOURCES. ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. पास्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं. नाउ एक्सरसाइज नंबर सी इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. नाउ फर्स्ट जो अवर स्टेटमेंट है वो क्या है, द फैक्ट अबाउट पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री. जो तथ्य हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, बीते हुए कल के बारे में बताते हैं, वो हिस्ट्री कहलाते हैं. द फैक्ट्स अबाउट पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, टी आएगा. एंड नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है पर्सन्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. जो लोग पास्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, बीते हुए कल के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं. तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ थर्ड इज व्हेन वी यूज सी वी मूव बैकवर्ड. जब हम जो जीसस क्राइस्ट है उसके जन्म से पहले के ईयर को काउंट करते हैं, बैकवर्ड को काउंट करते हैं, तो हम सीई का यूज करते हैं. तो ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है. क्योंकि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के जो ईयर्स हैं, बैकवर्ड के जो ईयर्स हैं, उनको हम BCE में काउंट करते हैं, ना कि CE में. तो ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस एक्सरसाइज. यू लर्न कम्प्लीटली दिस एक्सरसाइज इन योर फॉर योर SA1 एग्जाम. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों का कक्षा तीसरी में आज मैं करा रही हूँ पाठ 7, छोटी सी बगिया. पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत. प्रस्तुत पाठ में बगिया में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे
सुंदर सुंदर फूलों की विशेषता के बारे में बताया गया है। फूलों की सुगंध का वास्तविक आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उनके घर में ही रहने दिया जाए, अर्थात उन्हें तोड़ा न जाए, क्योंकि उन्हें तोड़ने के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो क्या समझाया गया बच्चों कि हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, उनको पेड़ पर ही लगे रहने देना चाहिए। अभी हम पाठ पढ़ेंगे। हमारे घर के आगे एक छोटी सी बगिया है, उसमें कई फूलों के पौधे हैं, गुलाब, गेंदा, मोगरा आदि के पौधे हैं। उनमें सुंदर सुंदर फूल आते हैं। एक और गुड़हल के 3-4 पौधे हैं, उनमें रंग बिरंगे फूल लगते हैं। दीवार के साथ कनेर के छोटे पेड़ हैं और हरसिंगार का एक छोटा पेड़ है। हम अक्सर कुर्सी लगाकर लॉन में बैठते हैं। गौरैया फुदकती हुई आती हैं, हम थोड़ा भी हिलें तो फुर से उड़ जाती हैं। फूलों पर तितलियां मंडराती हैं, भोरे गुंजन करते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। घर के पीछे सब्जियों का बगीचा है, वहाँ क्यारियों में बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर आदि के पौधे लगे हैं। कौन कौन सी सब्जियाँ हैं क्यारियों में? बैंगन, भिंडी, गोभी और टमाटर। पिताजी को बागवानी का शौक है, वे हर मौसम में बीज डालते हैं, पौधों को पानी देते हैं और हर हफ्ते खाद डालते हैं। मुझे पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। बीज से अंकुर फूटते हैं, पौधे बड़े होते हैं और सब्जियों से लद जाते हैं। ये भी बच्चों की तरह धीरे धीरे बढ़कर बड़े होते हैं। तो समझे बच्चों कि जो पौधे होते हैं वो भी बच्चों की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। हमारे गांव के पास फलों के कई बाग हैं। एक ओर आम के बाग है और दूसरी ओर अमरूद के बाग। आम के बाग में गर्मी के दिनों में भी ठंडक महसूस होती है। वहाँ कुछ लोग खाट बिछाकर दिन में सोते रहते हैं। कहाँ पर? आम के बगीचे में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मियों में भी ठंडक रहती है। दिन में पेड़ों पर तोते दिखाई देते हैं। शाम के समय बागों में चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो जाती है। कई चिड़ियाँ ची ची करके एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर जाती है। हम कई जगह पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले भी देखते हैं। तो चिड़िया कहाँ घोंसले बनाती है? पेड़ों पर। हमारे गांव के पास स्थित शहर में 2 सुंदर बाग हैं। वहाँ कई तरह के फूलों के पौधे हैं, कई तरह के पत्तेदार पौधे हैं। एक बाग में एक सुंदर तड़ाग है। तड़ाग क्या होता है? तालाब, जिसमें कमल के फूल खिले हैं। उस तड़ाग में बतखें तैरती नजर आती है। पानी के अंदर बहुत सी मछलियां तैरती नजर आती है। क्या क्या है तड़ाग में? कमल के फूल, बतखें और मछलियां। बाग में हर जगह लिखा रहता है फूल तोड़ना मना है। पिताजी कहते हैं कि पौधे पर फूल कई दिन तक बने रहेंगे, लेकिन उन्हें तोड़ लें तो तुरंत मर जाते हैं। इसलिए फूलों का आनंद लेना हो तो उन्हें अपने घर में ही रहने देना चाहिए, यानी कि पेड़ों पर ही लगे रहने देना चाहिए। तो समझे बच्चों कि फूलों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उनमें भी जीवन होता है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य। अभ्यास में लिखित प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पिताजी को किस चीज़ का शौक है? सोने का, बागवानी का या खाने का? तो सही उत्तर होगा बागवानी का। बाग में बतखें कहाँ तैरती नजर आती हैं? नदी में, तड़ाग में या जंगल में? तो इसका सही उत्तर होगा तड़ाग में। किस फल के बाग में गर्मी के दिनों में भी ठंडक सी महसूस होती है? अमरूद, कटहल या आम? तो इसका सही उत्तर होगा आम।
रिक्त स्थान भरो, यही खाली जगह भरनी है आपको। चिड़िया पानी पीती है और उड़ जाती हैं, गौरैया जमीन पर फुदकती हुई चलती है, लोग पेड़ के नीचे खाट बिछाकर सोते हैं, बीज से अंकुर फूटते हैं और पौधे बड़े होते हैं। तो हमें इनको इन शब्दों से फिल करना है, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है, आप सभी को ये पाठ एक बार फिर से अपनी बुक से पढ़ना है और ये जो प्रश्न मैंने कराए हैं अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, आई रश्मि मैम योर साइंस टीचर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। सो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टूडे वी विल रिवाइज आवर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8। ओके सो यू विल लिसन केयरफुली and let's we get start. Students, in our previous video we have completely learned our question answers and exercise question number first, and today we will start our question number 2. Okay, so let's start. Cross the odd one, जो इसमें से odd है अलग है उस पर आपको cross करना है। Okay, so जो ये first और जो last है वो क्या है, हमारे summer clothes हैं और जो बी ये हमारा विंटर क्लोथ है, तो हम इस पे क्या कर देंगे क्रॉस। नेक्स्ट में वूल है और कॉटन है, तो वूल और कॉटन क्या है, दोनों ही एनिमल फाइबर है और ये दोनों ही नेचुरल फाइबर है, एनिमल और प्लांट से मिलता है जो हमें, बट ये क्या है डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप क्रॉस कर दोगे, नेक्स्ट में आप हट पे क्रॉस करोगे, ठीक है। ये दोनों परमानेंट हाउस है और ये कैसा है कच्चा हाउस। नेक्स्ट में आप यहाँ पे आयरन पे क्रॉस करोगे, ओके। नेक्स्ट जो है उसमें आप टेंट है और व्हील है, वो है कैरावन हाउस है जो व्हील पे चलते हैं, तो ये दोनों टेम्परेरी हाउस है और ये कैसा है परमानेंट, तो आप यहाँ पे क्रॉस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द राइट वर्ड टू फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको इसमें से करेक्ट वर्ड चूज करके इसमें फिल करना है। डैस आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स नोन एज कैनवस, कौन सी चीज़ है जो कैनवस से बनी होती है, ठीक है। तो कौन बना होता है कैनवस से, स्ट्रॉन्ग क्लोथ होता है टेंट्स, ओके यू विल फिल एयर टेंट्स। नेक्स्ट ए डैस इज अ टेम्परेरी हाउस, इनमें से कौन सा टेम्परेरी हाउस है, कैरावन और बंगलो, कैरावन इज करेक्ट, सो यू फिल दिस हेयर। नेक्स्ट नाइलोन एंड डैस आर आर्टिफिशियल फाइबर, नाइलोन और कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर है जो मैन मेड होता है, पॉलिस्टर, ओके। वी वीयर लाइट डैस क्लोथ्स इन समर, हम समर में हल्के कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन और कॉटन, सो वुलन इज करेक्ट, सॉरी कॉटन इज करेक्ट, ओके हम कॉटन के लाइट कपड़े पहनते हैं। वी गेट डैश फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें प्लांट और एनिमल्स से कौन सा फाइबर मिलता है, तो कौन सा मिलता है नेचुरल फाइबर, हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। लेट्स वी रिवाइज अगेन, डैश आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ नोन एज कैनवस टेंट्स, डैश इज अ टेम्परेरी हाउस कैरावन, नाइलोन एंड पॉलिस्टर आर आर्टिफिशियल फाइबर्स, वी वीयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर, वी गेट डैस फाइबर्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, वी गेट नेचुरल फाइबर्स, ओके। नेक्स्ट मैच दी फॉलोविंग्स, आपको मैच करने हैं, हाउस बोट को आपको किसके साथ मैच करना है, हाउस बोट को आप मैच करोगे लेक के साथ, इग्लू को आप किसके साथ मैच करोगे, ब्लॉक्स ऑफ आइस, टेंट को किसके साथ मैच करोगे, फोल्ड पैक एंड मूव, वुल को आप किसके साथ, वुल को मैच करना है आपको किसके साथ, शिप के साथ, विंडो को मैच करोगे आप, विंडोज़ को करना है मैच फ्रेश एयर एंड सनलाइट, कॉटन को मैच करना है विद प्लांट, ओके। नेक्स्ट वी विल रिवाइज टिक द करेक्ट ऑप्शंस, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मटेरियल यूज टू बिल्ड अ कच्चा हाउस,
इनमें से कौन सा मटेरियल नहीं है जो कच्चा हाउस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो कौन सा नहीं है, स्टील। स्टील से हम पक्का हाउस बना सकते हैं, कच्चा हाउस नहीं बना सकते। सो स्टील इज़ करेक्ट। द स्ट्रॉन्ग क्लॉथ विद विच आर टेंट इज मेड, एक स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, मजबूत कपड़ा जिससे आप क्या कर सकते हो, टेंट बना होता है जिससे, तो कौन सा क्लॉथ होता है जिससे टेंट बनता है, कैनवस से। कैनवस इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, स्टिल्ट हाउस वुड बी फाउंड, जो स्टिल्ट हाउस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टिल्ट हाउस आर फाउंड इन अ प्लेस विद हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत भारी वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं स्टिल्ट हाउस। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लीन एंड हेल्थी हाउस, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है क्लीन और हेल्थी हाउस का, तो कौन सा नहीं है, स्टिंकी गार्बेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल फाइबर्स एक्सेप्ट, इनमें से सभी नेचुरल फाइबर हैं किसको छोड़ के, कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नायलोन। सो नायलोन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू विल रिवाइज ऑल दी एक्सरसाइज एंड वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट अवर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 3। माय डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी कंप्लीट रिवाइज अवर चैप्टर नंबर 7। माय डियर स्टूडेंट्स, आई 7 का सिलेबस कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 5, 6, 7 को रिवाइज कर लिया है, और उससे पहले स्टूडेंट्स आगे के चैप्टर रिवाइज कर लिए थे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्टिंग से डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, फोर डिजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमें फोर डिजिट नंबर का रिवीजन करना है। नाउ एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल द सर्कल एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सर्कल्स को फिल करना है एंड बॉक्स के अंदर नंबर को राइट करना है। नाउ स्टूडेंट, ये क्या है, 4,200, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 61। स्टूडेंट्स, अब हमारा नंबर क्या हुआ, 4,261। स्टूडेंट्स, सेम एज आपको रिमेनिंग पार्ट्स ऐसे ही फिल करके बॉक्स के अंदर राइट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी, स्टूडेंट पार्ट बी में क्या करना है, बिट्स को काउंट करके स्टूडेंट्स नंबर राइट करना है, नंबर नेम भी राइट करना है। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए, स्टूडेंट पार्ट ए में ये बिट्स कितनी है स्टूडेंट, 1000 पहले इस पे 4 बिट्स है, उसके बाद स्टूडेंट 100 पैलेस पे कितनी बिट्स है स्टूडेंट, 5 बिट्स है, एंड 10th पैलेस पे 3 बिट्स है, 1 पैलेस पे स्टूडेंट्स 4 बिट है। सो स्टूडेंट्स 4,534, स्टूडेंट्स इसको नंबर्स नेम में भी यहाँ राइट करना है। स्टूडेंट्स, इस तरह आप अपने रिमेनिंग पार्ट्स को इजीली रिवाइज कर सकते हैं। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें नंबर्स गिवन है एंड उसके ऊपर स्टूडेंट बिट्स ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें नंबर्स नेम गिवन है, इनके नंबर्स राइट करने हैं। पार्ट ए 6,256, स्टूडेंट कैसे होगा, 6,256। नाउ स्टूडेंट पार्ट सी में 7,504 गिवन है। स्टूडेंट्स क्या गिवन है, 7,500। स्टूडेंट्स 10th पैलेस की डिजिट मिसिंग है, वहाँ हम जीरो राइट कर देंगे 4। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट ई में गिवन है 6,009, स्टूडेंट कैसे राइट करेंगे, 6,000 एंड स्टूडेंट उसके बाद हमें क्या गिवन है, 9 हम राइट कर देंगे। स्टूडेंट्स हमें यहाँ 100 पैलेस की डिजिट गिवन नहीं है और 10th पैलेस की डिजिट गिवन नहीं है, स्टूडेंट्स यहाँ हम जीरो राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें नंबर्स गिवन है और उनके नंबर्स नेम हमें राइट करने हैं। पार्ट ए में गिवन है स्टूडेंट 4, 6, 8, 7। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके पैलेसेस राइट कर लेंगे, 1, 10, 100, and 1,000। स्टूडेंट्स अब इसका नंबर नेम क्या होगा, 4,000। नाउ स्टूडेंट्स
पार्ट डी, पार्ट डी में गिवन है हमें 8060 स्टूडेंट्स, इसका नंबर एम क्या होगा 8060। नाउ स्टूडेंट पार्ट एफ, पार्ट एफ में हमें गिवन है 9846 स्टूडेंट्स, इसको कैसे राइट करेंगे 9846। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सिक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें सीक्वेंस गिवन है उसको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 5077, 5078, 5079। मीन्स स्टूडेंट्स गिवन नंबर में वन नंबर प्लस कर रखा है स्टूडेंट्स और नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे हमारा नंबर क्या होगा, हम स्टूडेंट्स 5079 में वन को प्लस करेंगे तब नंबर क्या आएगा 5080, इसमें वन प्लस करेंगे तब क्या आएगा स्टूडेंट 5081, उसके बाद 5082, उसमें वन प्लस करेंगे तो 5083। नाउ स्टूडेंट पार्ट सी में गिवन है 7007, उसके बाद स्टूडेंट 7008 है, उसके बाद 7009 है। स्टूडेंट्स मीन्स गिवन नंबर में स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर में हम वन ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 7009 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें वन प्लस करेंगे तब क्या आएगा 7010, उसमें वन प्लस करेंगे तो 7011, उसमें वन प्लस करेंगे तो 7012, उसमें वन प्लस करेंगे तो 7013। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजली रिवाइज कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करें और प्रैक्टिस करें, जल्दी आपके SA1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लास MLP स्कूल राजपुरा। माई सेल्फ पूनम यूअर कंप्यूटर टीचर। टूडे वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर फॉर SA1 रिवीजन। सो स्टूडेंट डू ऑल दीज क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इन लास्ट क्लास वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10। टूडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। डिफाइन हार्डवेयर एंड राइट देयर नेम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिफाइन हार्डवेयर, हार्डवेयर की डिफाइन एंड राइट देयर नेम और उनके नेम राइट करने। आंसर इज हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या बताता है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन टच एंड सी, जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, सच एज मोनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस और प्रिंटर एक्सेट्रा। कौन कौन से होते हैं वो, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा। हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन टच एंड सी, और सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस एंड प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप। आंसर इज सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का पार्ट है, विच यू कैन नॉट टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन सी ओनली, लेकिन हम उसे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर आर टू टाइप। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच बट वी कैन सी ओनली, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन सर्किट बोर्ड। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे फिक्स होता है, सर्किट बोर्ड, एंड अनक्लोज इन रेक्टेंगल बॉक्स कॉल्ड द CPU बॉक्स। और किसके अंदर होता है, CPU रेक्टेंगल बॉक्स के टाइप में, CPU बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर फैन। कंप्यूटर के अंदर जो फैन होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है, सॉरी एक कंप्यूटर फैन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर फैन क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को कूल करने के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है, कंप्यूटर फैन। एज द कंप्यूटर एज कंपोनेंट्स जनरेट हीट, जैसे कंप्यूटर हीट जनरेट करता है, एंड मस्ट बी कैप्ट एज कूल एज पॉसिबल।
सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस वर्क वेरी केयरफुली. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.